दोस्तों हम लोग की फोन में जितने भी एप्स है, सिस्टम एप है या खुद से डाउनलोड किए हैं, अगर समय से इसको अपडेट नहीं करेंगे तो इसमें नया फीचर हमको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा में ये ऐप हैंग कर जाएगा और ऑटो कट भी हो जाता है। तो हम लोग की फोन में जितने ऐप है उसको कैसे अपडेट करते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट समझाकर बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों किसी भी ऐप को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को हम डाउनलोड करते हैं और यहीं से किसी भी ऐप को हम अपडेट करते हैं। जैसे गूगल प्ले स्टोर हम यहां से ओपन करेंगे, उसके बाद में यहां पे आपको प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा। प्रोफाइल की आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर अपडेट अवेलेबल आपको दिखाई देगा। उसके नीचे आपको फोन में कितना अपडेट अवेलेबल है यहाँ पर भी वो दिखाएगा। देखिएगा हमारे फोन में 36 अपडेट पेंडिंग है, यानी हम लोग की फोन में बहुत ऐप होता है। खुद से तो डाउनलोड करके 20-25 ऐप तो हम लोग चलाइबे करते हैं, उसके बाद में सिस्टम अपडेट भी दिया हुआ रहता है। तो अभी देखिएगा करीब हम एक महीना से कोई भी अपडेट नहीं किए हुए, तो एक महीना के अंदर में 36 अपडेट पेंडिंग हो गया है, यानी 36 ऐप का अपडेट नया आ चुका है। जब उसको हम अपडेट कर लेंगे तो जितने भी ऐप को हम यूज करते हैं उसमें हमको नया नया फीचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अपडेट ऑल करके भी इसको अपडेट आप कर सकते हो। अगर चाहते हो कि आपके फोन में कम MB बचा हुआ है या कम डाटा है तो यहाँ सी डिटेल पर क्लिक कीजिएगा, तो जितना भी अपडेट आपके फोन में आया होगा एप्स का, यहाँ सभी एप्स ये आपको दिखाई देने लगेगा। तो इसमें से आप मेन ऐप को चुनकर भी अपडेट कर सकते हो तत्काल में। जब आपके फोन में डाटा ज्यादा रहेगा तो आप बारी बारी से डेली के लिए 2-4 ऐप को चुन कर अपडेट कर सकते हो। तो मैनुअली इस तरह भी अपडेट कर सकते हो। अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा इंटरनेट डाटा है तो आप अपडेट ऑल पर भी क्लिक करके सभी ऐप को अपडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम अपडेट ऑल करेंगे, देखिएगा हमारे फोन में जितना भी एप्स है अपडेट आया हुआ है सब ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होने लगेगा। अगर हमारे फोन में बहुत कम MB है तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में देखिएगा ये जितने भी अपडेट चल रहा था सब कैंसिल हो गया, और यहाँ से मैनुअली हम किसी को चुनकर अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे फेसबुक अपडेट करना है तो यहाँ से हम फेसबुक पर दबाएंगे, उसके बाद ये सबसे ऊपर चल जाएगा और यहाँ से ये डाउनलोडिंग होने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे हम अपना जीमेल अपडेट करना चाहते हैं तो जैसे जीमेल पर क्लिक करेंगे यहाँ से गायब होकर ये सबसे ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार जिस तरह भी हमको अपडेट करना हो, जिस भी ऐप को अपडेट करना हो, यहाँ व्हाट्सएप को अपडेट करना है व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब को अपडेट करना है यूट्यूब पर क्लिक करेंगे। इसी तरह जितने भी हमारे फोन में अपडेट आया हुआ है, अगर कम डाटा है तो इस तरह हम डेली के लिए 5-6 ऐप को हम अपडेट कर लेंगे जितना डाटा बचा होगा इस तरह चुनकर। तो दोस्तों इस प्रकार अपने फोन में मैनुअली आप किसी भी ऐप को अपडेट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।